मुंबई से सटे पालघर जिले के घोड़बंदर से लेके अच्छाड़ तक की मुंबई अहमदाबाद महामार्ग की खराब सड़कों को लेकर पालघर जिले के भूमिपुत्र संगठना के चार लोग आमरण अनशन पर बैठे। ये सभी लोग जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैठे हैं। बता दें कि कई वर्षों से डांबर से बने मुंबई अहमदाबाद महामार्ग पर वाहनों का आना जाना जारी था। फोर लेन सड़क से लोग लगभग 2.5 से 3 घंटे में डहानू चारोटी से मुंबई पहुंच जाते थे, लेकिन लगभग 6 महीने पहले इस डांबर की अच्छी और बेहतरीन सड़क को खोदकर यहां पर सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहां पे कंक्रीटीकरण का काम शुरू हुआ तो हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। यहां पर इस ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई। क्लीनर बेचारा परेशान है। आप देखें किस तरह से परेशान हाल में वो अपने मालिक से संपर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे महामार्ग पर कोई सुविधा न होने के कारण परेशान लोग और परेशान होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। ठेकेदार ने मनमानी तरीके से काम चलाया, यहाँ तक कि कई लोगों की जानें चली गई। हादसे में कई ट्रक चालक ही नहीं, कई कार चालक, कई मोटरसाइकिल चालक, कई राहगीर बुरी तरह बेमौत मारे गए। इसी को लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी है। पालघर के तत्कालीन सांसद राजेंद्र गावित ने भी आवाज़ उठाई, पर उनकी कुछ न चली। यहाँ के मतदार सांसद राजेंद्र गावित से काफ़ी नाराज रहे, क्योंकि सड़क का मामला काफ़ी गंभीर था, कई लोगों की जानें जा रही थी। पालघर लोकसभा चुनाव में जीत कर आए नए सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा ने भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिलकर इस महामार्ग की परेशानी से अवगत कराया। ठेकेदार ने अपना काम शुरू रखा, लेकिन सड़कों पर अब भी काफ़ी समय लग रहा है और सड़क बदतर तरीके से बनाई जा रही है। डांबर की बनी सड़क की जगह अब सीमेंट की कंक्रीटीकरण रास्ता बनाया जा रहा है। पहले दहानू चारोटी से मुंबई जाने के लिए 2.5 से 3 घंटे का समय लगता था, जो अब 7 से 8 घंटे भी लग जाता है। कभी कभी तो और भी समय लग जाता है। सड़कों पर कई जगहों पर गड्ढे हैं। जो सड़कें बनाई गई हैं उसमें भी बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। कहीं पर लेवलिंग नहीं है, कहीं पानी भरा है, कहीं बड़े गड्ढे हैं। वाहन चलाने के दौरान हादसा होना मुमकिन ही है और कई लोगों की जाने तक चली जाती है। अब यहाँ के नागरिक काफी परेशान है। कई ट्रांसपोर्टरों ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन से शिकायत भी की है, लेकिन सुने तो सुने कौन। पालघर के जिलाधिकारी गोविंद बोड़के ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रोड निर्माण करने वाली कंपनी से बात की, लेकिन हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। आश्वासन पर आश्वासन तो मिल रहे हैं, लेकिन काम सड़क पर नहीं दिख रहा है। इसी को लेकर अब भूमिपुत्र संगठना ने बड़े पैमाने पर इकट्ठा होकर जिलाधिकारी कार्यालय पालघर के सामने आमरण उपोषण छेड़ दिया है। उनकी मांग है कि जब तक सड़क निर्माण सही ना हो तब तक टोल वसूला ना जाए। उनका यह भी कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात पर चिंता जताई कि जब तक सड़कें बेहतर ना हो टोल वसूला ना जाए। नितिन गडकरी जो कि रोड व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए टोल वसूली न करने का आदेश जारी किया था, लेकिन उनके आदेश को माना नहीं जा रहा है। यहां पर जबरन टोल वसूली शुरू है। इस रास्ते में 2 टोल आते हैं, 2 टोल बंद होना चाहिए, यह स्थानिक लोगों की मांग है, लेकिन प्रशासन गंभीरता से शायद दिख नहीं रहा है, इसलिए मामला अब आमरण भूख हड़ताल पर पहुँच चुका है। मी भास्कर लडकू दळवी, भूमिपुत्र संघटना संस्थापक अध्यक्ष। आज आम्ही हा राष्ट्रीय महामार्गावर उभे आहोत। आज इथे हे काल रात्री 9 वाजता झालेलं ॲक्सिडेंट आहे। ह्या ॲक्सिडेंटमुळे ह्या ड्रायव्हरचा जीव गेला असता, त्याच्यामध्ये क्लिनर असता त्याचा जीव गेला असता, ह्या अशा पद्धतीचं राष्ट्रीय महामार्गाचं काम ह्या वेगळ्या पद्धतीने चालू आहे। आज काही लोकांची ॲक्सिडेंट झाली, काही लोक मेले। आज जर अशी परिस्थिती ह्या राष्ट्रीय महामार्गाची असेल तर ह्या राष्ट्रीय महामार्गावर चालणारे टोल आहेत, ह्या टोल प्रथमतः हा राष्ट्रीय महामार्गाचं काम चालू असतानाही प्रथमतः टोल बंद करणं गरजेचं आहे, कारण हायकोर्टाचे निर्देश आहेत किंवा हायकोर्टाचे आदेश आहेत, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत की जोपर्यंत ह्या राष्ट्रीय महामार्गाचं काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत टोल बंद असावे अशा पद्धतीचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश असताना सुद्धा हे लोक टोल वसुली करतायत। आज
टोल वसुली करत असतानी ह्या रस्त्याचं काम व्यवस्थित नाही, ट्रॅफिक होते, ॲक्सिडेंट होतात, सर्व रस्ता जाम होतो, याच्यामध्ये सामान्य जनता भरडते, ड्रायव्हरला त्रास होतो, गाडीचं नुकसान होते, अनेक प्रकारचे ॲक्सिडेंट होतात, अनेक प्रकारच्या लोकांचे जीव जातात, असं असतानी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेश असतानी यांनी टोल हे जे आहे ते बंद करणं गरजेचं आहे, परंतु ह्यांच्या मनमानीप्रमाणे ह्या सगळ्या गोष्टी चालू आहेत, यांनी प्रथमतः टोल बंद करावे, काम पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा टोल चालू करावे अशा पद्धतीची आमची मागणी असेल. आम्ही आता 15 जुलैला कलेक्टर ऑफिस येथे उपोषणात बसत आहोत. पूर्ण भूमिपुत्र संघटना, आमची संपूर्ण टीम त्या कलेक्टर ऑफिस तिथं बसून आम्ही मागणी केलेली आहे का हा टोल वसुलीचा धंदा आहे तो तूर्तास बंद करावा, अन्यथा आम्हाला आंदोलन आमचं चालूच आहे पण राष्ट्रीय महामार्गसुद्धा आम्हाला एखाद्या वेळेस बंद करावा लागेल, रोखावा लागेल, असं आमचं या भूमिपुत्र संघटनेच्या माध्यमातून 15 तारखेला आंदोलन आमचं चालू होणार आहे. त्याला सर्वस्वी जबाबदार प्रशासक असेल, कलेक्टर असेल, इव्हन इन्फ्रा कंपनी ही त्याला जबाबदार असेल असं आम्ही आमच्या वतीने मांडत आहोत. भूमिपुत्र संघटना ने एक ज्ञापन तैयार किया जो जिलाधिकारी को दिया गया. सर, एक अच्छे रास्ते को जो डामरीकरण रास्ता था उसको खराब करके उसके ऊपर सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण किया जा रहा है और टोल वसूला जा रहा है. बार बार जब नितिन गडकरी संसद भवन में कह रहे हैं कि टोल जब तक रास्ते नहीं बन रहे तब तक टोल नहीं वसूलना चाहिए, उसके बावजूद भी टोल वसूला जा रहा है, क्या कहेंगे इसका? एक्चुअली ऐसा ये NH 48 है और इस पे डामरीकरण रोड था जो सबसे अच्छा और सुरक्षित था, लेकिन इन्होंने कॉन्क्रीटीकरण का काम लिया. कायदे से ना सर्विस रोड इन्होंने प्रोवाइड किया, ना कोई बाईपास लाइन देने के बाद उन्होंने काम चालू किया, जिसके वजह से हमेशा अपघात हो रहे हैं. जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगर टोल रोड खराब है तो टोल नहीं देना है, तो ये सरासर रॉबरी चल रही है. और पहला तो जो भी ये NHAI हो गया, IRB हो गया, निर्मल इंफ्रा हो गया, सद्भावना हो गया, सभी लोगों पर दरोड़ा का केस दाखिल होना चाहिए, ये हमारी प्रथम मांग भी है. और दूसरा बात, ये जो चल रहा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी आवश्यक मांग है. बस बाबर जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई TV चैनलों में काम कर चुके हैं, अखबार का अनुभव रखते हैं, वेब पोर्टल चलाते हैं और क्षेत्र के अंदर आप एक पुराने पत्रकार हैं. आपने काफी बारीकी से हाईवे को देखा है क्योंकि आप हाईवे से अक्सर चलते हैं. इस समय का हाईवे और पहले का हाईवे, यानी क्या इसकी जरूरत थी बनाने की? अगर बनाने की जरूरत थी तो किस तरह का बनना चाहिए था? और जो बन चुका है, वो किस तरह का बना है? और टोल लेना क्या जायज है? क्या मरीज अस्पताल तक पहुंच सकता है? इस पर जरा सा बताइए क्या होना चाहिए. पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि एक तरफ देश में नितिन गडकरी जी बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं, विकास का जो बड़ा गाजर वो हाईवे के माध्यम से दिखाया जा रहा है, और उसी को अगर मद्देनजर रखते तो पालघर जिला एक बहुल आदिवासी जिला है, जबकि यहाँ पे आदिवासी समुदाय पूरा जिला में रहता है, ताकि गरीब लोग हैं, इनकम से गरीब है, सारी चीज़ों से गरीब है, लेकिन यहाँ से जो मुंबई अहमदाबाद जो हाईवे बना हुआ है उस हाईवे को अगर देखा जाए तो पहली बात तो टोल है, जो टोल को बंद करना जरूरी है. दूसरी बात यह है कि जो अभी काम जो चल रहा है रोड पे, वो रोड पे जो काम चल रहा है वो मौत का कुआं खोदा जा रहा है, ऐसा कहने में दो राय नहीं है. पहली बात. दूसरी बात यह है कि यहाँ सत्ताधारी लोग भी है आंदोलन में जाते हैं. अरे जब सत्ता तुम्हारी है और आंदोलन आप सत्ता के खिलाफ में कर रहे हैं, ये क्या है? ये तो दिखा हुआ है, ये कोई आंदोलन इसको नहीं कहा जा सकता. ये खाली पॉलिसी है कि लोगों में दिखाए कि हमारे भी लोग हैं सत्ता में, लेकिन सत्ता के खिलाफ में आंदोलन कर दे. पहली बात तो ऐसा नहीं होना चाहिए. और जो हमारे आदिवासी जो माता भगिने है, जो हमारे जो भी समाज के लोग हैं, उनको राहत अगर देना है तो उन्होंने जितनी तकरार किए हैं, जो भी कंप्लेंट दाखिल किए, उनको जो तकलीफ होती है इस हाईवे के वजह से, अगर कोई मरीज अगर यहाँ से अगर अस्पताल लेके जाना है तो ये हाईवे पे कई समय लग जाता है और उसमें मरीज की जान भी जाती है. तो आखिर ये किस तरह का विकास इसको कहा जाए, पहली बात तो. और दूसरा बात अगर कहा जाए कि लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को आंदोलन की तरफ ध्यान देना जरूरी है, और जो टोल है तो टोल बंद होना चाहिए, और जो हाईवे जिस तरह से. आप एक संपादक हैं, यहाँ पे एक अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अखबार चलाते हैं, काफी समय से आप यहाँ पे स्थानीय है, यहाँ पे भूमिपुत्र है, और आपने इस मुद्दे को अक्सर उठाया, यहाँ से यानी कि विधायक से लेकर सांसद तक आपने इस मामले को उठाया, जिलाधिकारी तक आपने मामले को उठाया है.
किस तरह की सड़क का इन्होंने भ्रष्टाकरण किया है, भ्रष्टाचार किया है और अच्छी सड़क को खराब किया है। मरीज किस तरह से अस्पताल तक पहुंचते, टोल की लूट किस तरह से चल रही है, आप किस नजरे से देखिए? गेल्या 7-8 महिन्यापासून हे काम सुरू आहे, अतिशय निकृष्ट दर्जाचं काम झालं आहे, जेणेकरून 2 महिन्यात त्याला खड्डे एक एक फुटाचे पडतात, म्हणजे भ्रष्टाचाराने किती चरणसीमा गाठले याचं उदाहरण म्हणजे मुंबई अहमदाबाद हा रस्ता आहे। आमच्या सर्व जिल्ह्यातले सर्व पत्रकार तुमच्या सहित सर्वांनी अनेक रोज बातम्या येतात, रोज माणसं भरतात, मात्र या प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना कधी जाग येणार हा प्रश्न आहे। आज भूमिपुत्र संघटना याच्यासाठी आंदोलनाला बसले की रोज जीव जातात आणि ते निष्पाप आहेत आणि टोल भरून अशा खड्डेमय रस्त्यामध्ये आम्ही प्रवास करायचा, त्याची गरजच नव्हती त्या व्हाईट टॉपिंगची। याच्या ठिकाणी तुम्ही काँक्रीट म्हणजे खाली सिमेंट आपल्याचा डांबरीकरणाचा रस्ता आणि वरती व्हाईट टॉपिंग देता, अरे तो कसा टिकणार? म्हणजे ज्या आमचे इंजिनियर आहेत, या देशातले जे इंजिनियर आहेत, त्यांना खरोखर पुरस्कार दिला पाहिजे। नितीन गडकरी यांना सुद्धा मी एक मागे फॉलोअप केला होता, त्यांना ट्विट केलं होतं माझी बातमी, त्यांच्यानंतर हेमंत सौरा यांनी त्या बातमीचा आरोप घेऊन लेटरसुद्धा काढलं, मात्र कुठल्याही प्रकारचे अजूनपर्यंत। आणि रोज राजकीय पक्ष विशेष म्हणजे सत्ताधारी असतील विरोधी असतील रोज आंदोलन करतात, पण अंमलबजावणी झुरू आहे, म्हणजे कुठल्याही प्रकारची अंमलबजावणी होत नाही। जे मागचे खासदार होते राजेंद्र गावित, आतासुद्धा हेमंत सौरा आहेत, दुसरे खासदार आहेत, मात्र कुठल्याही प्रकारची अंमलबजावणी होत नाही। इथले जे आपले आजारी रुग्ण आहेत ते अक्षरशः रस्त्यातच त्यांचा प्राण जातो, म्हणजे ते मुंबईला पोहोचू शकत नाही। आणि पालघरला ती व्यवस्था नाही, म्हणजे जेणेकरून आम्हाला सर्व मारण्याचाच हा विषय मुंबई अहमदाबाद रस्ता आहे। मयूरजी, आप इस खूप बारीकी से देखते हैं, आप हमेशा आंदोलन रस्ते पे, आप हाईवे पे भी रहते हैं और हाईवे पे न्यूज कवर करते हैं, आपने देखा है कई लोगों के जान जाते हुए, आप NH 48 हाईवे के ग्रुप में भी है, सक्रिय है, किस तरह से आप देखते हैं इस मामले को, किस तरह से ये पर्दा उठना चाहिए? अभी बात किया जाए तो सबसे डेंजर स्थिति है कि कोई मर रहा है ना पालघर में, उसको आप मुंबई नहीं लेके जा सकते, उसको इधर ही मार दो, मैं तो बोलता हूँ। क्यों मुंबई क्यों नहीं लेके जा सकते? यहाँ से जाते हुए आधे रास्ते में मर रहा है, क्योंकि मुंबई अहमदाबाद हाईवे ये जो टोल वसूली चालू है उनका, अभी हमारा टाइम जा रहा है, हमारे उद्योजक है बोईसर के टीमा वगैरह सब जो संगठन है वो लोग भी बोल रहे हैं। उस दिन जो मीटिंग हुआ, बैठक हुई कलेक्टर ऑफिस में, उसने भी इन्होंने मुद्दा उठाया कि आपका 500 करोड़ का रोड बन रहा है, लेकिन हमारा जो इधर के लोगों का नुकसान हो रहा है वो 1000 करोड़ का है, इसलिए ये नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए आज भूमिपुत्र संगठन और हम लोग भी उनके साथ में आज बैठे हैं, हम लोग आज अनशन कर रहे हैं कि ये टोल बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम जा रहा है, डीजल जा रहा है, पेट्रोल जा रहा है, उसमें बहुत सारी हमारी दिक्कतें आ रही है। एक तो हमारा पैसा हाईवे पे पहुंचने तक जा रहा ही है, क्योंकि इनका काम चालू है और बहुत सारी जगह पे ऐसा काम है कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है और एक्सीडेंट में इनके रोड के वजह से एक्सीडेंट हो रहा है और वो एक्सीडेंट में बहुत से मासूम लोगों की जान जा रही है, बराबर है। ऊपर से ये टोल इसलिए बंद होना चाहिए क्योंकि हम लोग घूमना डकैती कर रहे हैं, ये लोग डकैती कर रहे हैं कि टोल भी हम लोग दें, हमारा टाइम दें और हमारा पैसा भी दें, मतलब दोनों तरफ से हम लोग मर रहे हैं, इसलिए ये टोल बंद होना चाहिए। सर, महामार्ग जो बना था मुंबई अहमदाबाद महामार्ग जो डांबर से बना था, उसे निकाल कर उस पर कॉन्क्रीटीकरण किया जा रहा है, 2 से 2.5 घंटे में मुंबई में पहुंचने के लिए अब समय लग रहा है 7 से 8 घंटे, कभी कभी उससे भी अधिक लग रहा है, पेशेंट पहुंचते पहुंचते अस्पताल मर जाता है बीच में और टोल देना पड़ता है जबरदस्ती। ये पूरा मामला आप सड़क पे, मतलब आप हाईवे पे रहते हो, अधिकतर मामले आपने ही उजागर किए, पर्दाफाश आपके ही NH 48 ग्रुप ने किया है और आप जमीनी स्तर पर काम कर रहे हो, क्या मामला है पूरा और किस तरह से क्या होना चाहिए? नमस्कार, मैं हरबंस सिंह, ऑल इंडिया वाहन चालक महासंघ गुजरात महामार्ग का प्रवक्ता हूँ। आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये रोड अच्छी थी और वहाँ पे 6 पत्रीकरण होने के बाद दुर्घटनाओं में कमी आ रही थी। हमारे दुर्दैव से साइरस मिस्त्री जी की दुर्घटना होने के बाद प्रशासनिक तौर पर कुछ तड़का फड़की निर्णय लिए गए, जिसमें ये एक गलत निर्णय हो गया के डांबर की सड़क को खड्डे विरहित करने के लिए, दुर्घटना विरहित करने के लिए कॉन्क्रीटकरण किया जाए, ये उसका सॉल्यूशन नहीं था और हमारा दुर्दैव था। इसको तुरंत अच्छी सड़क को, बढ़िया सड़क को तोड़कर कॉन्क्रीटीकरण करने के दौरान इतना रद्दी काम, निकृष्ट काम किया जा रहा है, जो अभी से ही टूट फूट रहा है, खड्डे हो रहे हैं और उस वजह से भी दुर्घटनाएं हो रही है।
मतलब हमने जो जो दवा की तो और मर्ज बढ़ते ही चला गया, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है। इसके पीछे प्रशासनिक जो अधिकारी है, ठेकेदार है, इनके अलावा एक सीईजी कंसल्टेंट इंजीनियरिंग ग्रुप की भी नियुक्ति की गई है कि जो एडवाइस देगा कहाँ पे क्या करना है। रास्ता अगर डाइवर्ट भी करना है तो उसका नियोजन पहले से किया जाता है, उसकी मंजूरी ली जाती है, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो ये जो सीईजी वो हयात है या नहीं इसकी भी हमने खोज खबर ली तो पता चला कि छुपे तौर पे मनोर में ही एक बिल्डिंग में, एक फ्लैट में तीसरे माले पे इनका ऑफिस कार्यरत है और बाकायदा वहां से एनएचआई को सूचनाएं दे रहे हैं, लिखी दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, फोटोग्राफी दे रहे हैं। फिर भी अगर कॉन्ट्रैक्टर प्रशासनिक अधिकारियों की सूचनाओं का पालन नहीं कर रहा है या अपने आप को सबसे बड़ा ग्रेट मान रहा है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। कार्य करने के दौरान जो भी रिपेयरिंग मेंटेनेंस होता है उस दौरान टोल नहीं लिया जाना चाहिए, ऐसा माननीय रास्ते मंत्री माननीय गडकरी जी ने भी कहा है कि टोल नहीं लिया जाना चाहिए। फिर भी ये कंपनी जोर जबरदस्ती से टोल वसूली चालू है जो तुरंत से तुरंत बंद होनी चाहिए, इसलिए हम भूमिपुत्र संगठन के साथ आमरण उपोषण के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और जब तक सरकार ये दोनों टोल नाका बंद नहीं करेगी तब तक हम ये उपोषण जारी रखेंगे और इस अन्याय को आखिर तक हम लड़ने की ताकत रखते हैं। आगे जो भी होगा वो हम समय सूचक समय के अनुसार बताएंगे। जनता का साथ हमको है, सपोर्ट है, भारी तादाद में लोग हमारे पीछे आ रहे हैं और हमारे साथ में है। धन्यवाद। मुंबई से सटे पालघर जिले के मुंबई अहमदाबाद महामार्ग जो खानोली से लेके महाराष्ट्र बॉर्डर आचार तक आता है, इस तरह का हो चुका है कि यहाँ पे कई जाने हर सप्ताह में जा रही है। क्यों कहा जाए कि हर दो तीन दिन में दो तीन लोगों की जाने जाती है तो कम होगा, क्योंकि अगर आंकड़ा आंकला जाए तो कई लोग इसमें जख्मी हो गए हैं जो अपना इलाज करवा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। इसकी मौत का जिम्मेदार कौन? यहाँ पर जो आदिवासी समाज है, जो पेशा अंतर्गत जिला है, उसके यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आदिवासी लोग जो मोटरसाइकिल से सफर करते हैं या चल के सफर करते हैं या अपनी खेती में काम करने के लिए हाईवे मार्ग क्रॉस करके जाते हैं और उन्हें ट्रक की चपेट में आने से उनकी मौत हो जाती है, और ट्रक की गलती यह होती है कि बड़ा खड्डा होता है, रास्ते काफी अरुंध है क्योंकि वहाँ पे कोई सुरक्षा के नियम जो हाईवे अथॉरिटी है नहीं पाल रही है। इसी को लेके कई बार मोर्चे आंदोलन कई बार हुए, कलेक्टर के साथ बैठकें हुई, यहाँ तक कि महामार्ग के जो अधिकारी है उनके साथ भी बैठक हुई, लेकिन मामला जो का त्यों रह गया। यहाँ पर हमारे साथ आज मोर्चे पे जो बैठे दिखाई दे रहे हैं ये भूमिपुत्र है, यहाँ के ही निवासी है, ये चाहते है कि हाईवे मुक्त जो है टोल मुक्त हो और हाईवे पे खड्डे मुक्त हो। यहाँ पे जो डामरीकरण का रास्ता था काफी बेहतर था, 2 से 2.5 घंटे में मुंबई पहुँचना आसान था, लेकिन आज के समय में 6 से 7 घंटे मुंबई जाने तक लग जाते हैं। हम जानना चाहेंगे उनसे कि उनके क्या मांगे हैं। आप यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे आमरण उपोषण कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग एक ही है, प्रथमतः ये जो काम चालू है, काम चालू जब तक है तब तक अपना टोल ये बंद होना मांगता है, टोल वसूली नहीं होना मांगता है। एक्चुअली ये जो रोड का काम चालू है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, क्या ये काम चालू जब तक है तब तक ये टोल वसूली नहीं होना मांगता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और दूसरी बात, नितिन गडकरी साहब ने भी बताया है, ऐसा परिपत्रक निकाला है कि जब तक रोड चालू है तब तक ये टोल नहीं वसूली करना मांगता है, ऐसा आदेश होके भी ये टोल मुक्ति नहीं हो रही है। ये टोल मुक्ति होना जरूरी है, बहुत से एक्सीडेंट हो गए। पहले बहुत अच्छा रास्ता था, डामरीकरण था तो अच्छा रास्ता था, अभी ये सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण हो रहा है। वो ए के शर्मा का एक कॉन्ट्रेक्टर है, इसके निर्मला इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से ये रोड पूरा खराब हो गया है, बहुत जन का एक्सीडेंट हो गया, बहुत जन मर चुके हैं उसमें, और फिर भी ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसका, ये प्रशासन और यहाँ का लोक प्रतिनिधि, ये लोग का गलती के वजह से ये सब हो रहा है। टोल मुक्त रस्ता झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे। भूमिपुत्र संघटना जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है। भूमिपुत्र संघटनेचा येस हो, आमच्या मागण्या पुऱ्या करा नाहीतर पुढच्या खाली करा, आमच्या मागण्या पुऱ्या करा नाहीतर पुढच्या खाली करा।